हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, ये ब्लूटूथ पैनल है, इसमें साउंड प्रॉब्लम होता है दोस्तों अक्सर, और जो है दोस्तों वो सही नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं, वो जो साउंड प्रॉब्लम होता है उनको जो है रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आज मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कि आप इसको साउंड रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ब्लूटूथ पैनल हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और उसमें दोस्तों साउंड प्रॉब्लम, जैसे साउंड नहीं आता है। जब हम जो है आर एल लेफ्ट राइट के कनेक्शन लगाते हैं, 5 वोल्ट देते हैं, तो दोस्तों उसमें साउंड नहीं आता। जैसे कि आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं दोस्तों, ये ब्लूटूथ पैनल है, इसमें देखिए दोस्तों, मैं ये 5 वोल्ट का कनेक्शन है, इसको मैं 5 वोल्ट कनेक्शन दे दिया, और ये ऑडियो इनपुट का है जो कि मैंने निकाल रखा है। और दोस्तों इसको भी लगाते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा FM चल रहा है, FM चल रहा है, इसमें साउंड नहीं आ रहा। मैं आवाज़ फुल कर रखा हूँ, फिर भी साउंड नहीं आ रहा। अब हमें कैसे पता चले कि दोस्तों हमारे ब्लूटूथ पैनल में फॉल्ट है, और या जो हमारे जो आउटपुट हम दे रहे हैं, ऑडियो इनपुट दे रहे हैं, उस वो जो है उसमें फॉल्ट है। तो हमें वो कैसे पता कर लेना, पहले हमें इस चीज़ को पता करना है, जो हमारा ऑडियो इनपुट है उसमें इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए और इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो है ऑडियो इनपुट हमारा परफेक्ट है। तो दोस्तों अब हमें पता कैसे करना है, हमें इस ऑडियो इनपुट के बारे में पता चल गया है कि हमारा ऑडियो इनपुट आ रहा है। अब हम क्या करें दोस्तों, अब एक बार हम जो है दूसरा कार्ड लगा कर देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ी सी आवाज़ मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़, देखिए दोस्तों ये हमारा ब्लूटूथ पैनल सही है, देखिए दोस्तों इसमें हमारा FM चल रहा है, और हम इसको सर्च करके भी आप लोग को दिखा देते हैं दोस्तों, आ देते हैं, देखिए दोस्तों ये सर्च हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को जो है बताते हैं कि आप लोग कैसे इसको, देखिए दोस्तों इसमें हमारा जो है FM काम कर रहा है, इसमें सब कुछ चलेगा दोस्तों। अगर इसकी IC हमारी एकदम परफेक्ट है, इसमें सब कुछ चलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको हमें सही करना है, क्योंकि इसको हमें, इसमें ऑडियो हम देते हैं, जैसे ऑडियो इनपुट दे दिया और हम 5 वोल्ट भी दे दिया दोस्तों, अब इसमें ऑडियो आ नहीं रहे, तो हमें इसको ट्रैक करना है, क्योंकि ये ऑडियो इनपुट से हमको ट्रैक करना है कि ये जो है आवाज़ कैसे आएगी। तो दोस्तों बहुत भाई हमें कमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम उनको आज बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब इसको हमें क्या करना है, ऑडियो देखिए दोस्तों, ये ऑडियो आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑडियो आ रही है। तो दोस्तों इसको अब क्या करना है, इसको इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब हमें इस प्रिंट को हमें ट्रैक करना है, और ट्रैक करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रही, यहाँ पर आ रही, और यहाँ पर भी आ रही, यहाँ पर भी आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ तक आ रही है। अब यही ब्लूटूथ पैनल हमारे पास ये भी है, तो अब इसमें हम ऑडियो इसमें भी ट्रैक करते हैं, जिसमें ऑडियो आ रही थी। तो दोस्तों अभी हम इसमें भी ट्रैक करके आप लोग को दिखाते हैं, और प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे ऑडियो इसलिए कम सुनाई दे रहा है, अब हम थोड़ा सा तेज करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ ऑडियो आ रही है, देखिए यहाँ पे आवाज़ आ रही है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ पे आ रही। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो जो है PF लगा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दो PF लगा हुआ है, देखिए एक PF ये लगा हुआ है दोस्तों, और एक PF ये लगा हुआ है। तो इसके वजह से हमारी ऑडियो जो है IC में जो है इन होती है, जब जो है ऑडियो IC में इन होती है तो इसका आउटपुट यहाँ से बन जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। देखिए दोस्तों ये दूसरे वाले कार्ड में इसको अब देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉपर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हमें नहीं लगा हुआ है, एक यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे आ रहा है जो ऑडियो, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं लगा है। तो दोस्तों हम इसको एक बार शॉर्ट करके देखेंगे, इसमें ऑडियो आती है कि नहीं आती है। देखिए दोस्तों ऑडियो आ गई। अब हम दूसरे चैनल में देखते हैं, देखिए दोस्तों इसमें भी आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर आपको, आप लोगों के पास इस तरीके का ब्लूटूथ पैनल है, जैसे कि मैं आप लोग को, जैसे इस तरीके का ब्लूटूथ पैनल है, तो दोस्तों इसमें से आप निकाल के रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इसमें से आप निकाल कर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इसमें इसमें का रेजिस्टेंस उसमें लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि इसमें का रेजिस्टेंस
देखिए दोस्तों, इसमें का रेजिस्टेंस आप निकाल कर लगा सकते हैं, जैसे आपका ब्लूटूथ पैनल ख़राब है। तो दोस्तों अभी हम इसका रेजिस्टेंस निकाल कर लगाते हैं और आप लोग को प्रॉपर दिखाते हैं दोस्तों, एकदम लाइव दिखाते हैं कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ से उखाड़ता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेजिस्टेंस को उखाड़ दिया है और इसको यहाँ पर हमें ऐसे लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा इतना है भी। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने हटा दिया और इसमें थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस को दोनों तरफ पकड़ना ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हमें लगा लेना है। अब हम इसको ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं इसको, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, इसमें साउंड आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें साउंड आ गया और इसको हम देखिए दोस्तों, एफएम भी चला कर दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि हमें जो है नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप साउंड को जो है रिकवर कर सकते हैं आसानी से, उसको सही कर सकते हैं ट्रैक की मदद से। और दोस्तों, आपको कुछ नहीं भी करना था, बस थोड़ा सा करना था कि जो है इसको ट्रैक करना था इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे मैंने जो है पीएफ लगा दिया, एक यहाँ पे पीएफ लगा दिया। अगर दोस्तों आपके पास पीएफ नहीं है ऑडियो के लिए, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सप्लाई को ऑफ शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं ब्लूटूथ पैनल को। और दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो से क्या सीखने का मिला दोस्तों, इसके लिए बता दीजिए दोस्तों, और इसके लिए कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग बनाते हैं वीडियो जो टेक्नोमित्रा हैं और जो है जो यस के टेक्निकल जो है प्रोजेक्ट है वो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, वो सब कहते हैं ये ब्लूटूथ पैनल अगर हल्का सा ख़राब हो जाए तो इसको फेंक दिया जाता है, तो फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, फेंकना गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है दोस्तों, आप थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाकर इसको सही कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर जो है कुछ वीडियो देखने के बाद आप लोग सही कर सकते हैं आसानी से, और दोस्तों आप लोग को फेंकने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।